हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम नैनी। तो आज है हमारा Day-3। आई होप सो Day-1 और Day-2 में जो हमने किया उससे आपको कुछ फ़ायदा मिला हो, कुछ रिजल्ट निकल कर आया हो। तो आपको आज क्या करना है? तो आज हमको कर लेना है ग्रीन टी। अब आपके पास लूज ग्रीन टी हो तो भी चलेगी, और अगर आपके पास ग्रीन टी बैग हो तो वो भी चलेगा। तो आप उसको ग्रीन टी बैग को काट के और उसमें से ग्रीन टी निकाल के अलग निकाल लीजिए। हमें एक चम्मच चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा, ग्रीन टी को थोड़ा सा पीस लिया है ताकि ना अप्लाई करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर आपके पास पीसी हुई हो तो भी अच्छा है, वैसे शायद बैग में से भी पीसी हुई नहीं निकलती है। आप देख लीजिएगा, अगर हो तो आप भी पीस के। और फिर आपको इसमें मिलाना है आधा चम्मच योगर्ट और आधा चम्मच हनी। इन दोनों को मिला के अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और मैंने जो ग्रीन टी थी ना, वो भी मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ली थी, पर मेरे हिसाब से आप आधा चम्मच ही लेना, क्योंकि जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया था ना, वो ज़्यादा ही हो गया था। मेरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई हो गई थी और थोड़ा सा बच गया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से सूखने देना है। मतलब आप 15-20 मिनट इसे रख लें, वैसे ये सूखेगा नहीं। मैंने भी लगाया था ना तो ये सूखा नहीं था। तो 15-20 मिनट रख लें आप। जैसे आपके पास 15 मिनट टाइम हो तो 15 मिनट या फिर 20 मिनट आप रख लें, और फिर आपको इसे वॉश कर लेना है। अब ये ना काफ़ी फेस पे चुभ रही थी जब मैं इसे वॉश कर रही थी, तो आप इसे आराम से वॉश करना। इसको हमें रब नहीं करना है, ठीक है? आराम से वॉश करके इसको आप निकाल लेना। तो ये ग्रीन टी फेस पैक जो हमने लगाया है, इससे हमें इंस्टेंट ग्लो नहीं मिलेगा। जैसे बाकी फेस पैक लगा के हम फेस वॉश करके आ रहे थे और लग रहा था ना कि हाँ कुछ फ़र्क हुआ है, इससे ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने इसमें योगर्ट डाला था ना चीठा चीठा, इसलिए। जब मैंने भी दो बार लगाया तो मुझे लगा नहीं। अब ये आप फेस पैक आपको नेक्स्ट डे ग्लो देगा, इंस्टेंट ये ग्लो नहीं देगा आपको। तो आप वैसे सोच के इसे मत लगाना, पहले से सोच लेना कि कल ही सुबह ग्लो आएगा, ठीक है? तो इस फेस पैक को आपको दिन में दो बार लगाना है, और उपटन वाला भी लगाना है, याद है ना? एक बार वो लगाना है। तो दो घंटे 3 घंटे की गैप में आप फेस पैक लगा सकते हैं। तो आप ये तीनों कंप्लीट करना है आपको आज। तो जो ग्रीन टी होती है ना, वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे बोलते हैं ना कि ग्रीन टी वेट लूज में अच्छी होती है और हमारी इनर बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो उतनी ही अच्छी और यूज़फुल वो हमारी स्किन के लिए भी होती है। ग्रीन टी में जो हमारी बढ़ती उम्र होती है ना, उसके जो साइंस होते हैं, उसको हटाने में ग्रीन टी, उसको कम करने, हटाने में नहीं सॉरी, उसको कम करने में जो उम्र के साइंस होते हैं ना, उसको थोड़ा कम करने में ग्रीन टी यूज़फुल होती है। और फाइन लाइंस, झुर्रियों को हटाने में भी ग्रीन टी काफ़ी यूज़फुल होती है। और ऑयली स्किन वालों के लिए ग्रीन टी बेस्ट होती है। वैसे तो सारे स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है, पर ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद ग्रीन टी में जो होते हैं ना दाग धब्बे, वो सब हटाने में भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसे ग्रीन टी के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको कितना ही बताऊँगी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें, और फिर मुझे रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हमें ना इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमेशा ही। अभी हम स्किन केयर कर रहे हैं 5 दिन, तो वैसा नहीं, हमेशा ही आपको ना अपने फेस को बार बार अपने ये हाथों से ना टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ सब जगह लगते हैं, है ना? और हम वही हाथ बार बार अपने फेस के ऊपर टच करेंगे ना, तो जो हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फेस पे चले जाते हैं, उससे ही ज़्यादातर लोगों को पिंपल्स वगैरह होते हैं। तो आप ना बार बार अपने हाथों को और अपने मुँह को थोड़ा दूरी रखिएगा। जब आप हैं कुछ करना हो आपको फेस पे, तब अलग बात है, तो आप अपना हैंड वॉश कर लें पहले, फिर उसके बाद आपको जितना हाथ लगाना है अपने फेस पे लगाएं, क्योंकि हमारे हाथ तो दिन भर कितनी ही सारी जगहों पर लगते हैं। तो आप इस चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखिए। जिनको पिंपल्स हो रहे होते हैं ना, एक्ने पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। उनको तो अपने फेस को टच ही नहीं करना चाहिए, मतलब फेस वॉश करें तब तो करना पड़ेगा, बाकी अपने फेस को टच करो ही मत।